जावेद सेशन स्टार्ट कर दो। और कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है क्या? ओके, देन स्टार्ट करते हैं फिर। सो द पर्पज ऑफ दिस सेशन टू डिस्कस अबाउट रियल टाइम इशू। सो जनरली द कैंडिडेट हैव डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन द प्रोडक्शन सपोर्ट, सो दे हैव ओनली नॉलेज अबाउट थ्योरेटिकल। सो उसे इतना आइडिया नहीं होता है कि क्यूबरनेटिस में क्या इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे क्या इशू आते हैं, क्या डे टू डे एक्टिविटी होता है, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो ये सब उनको आइडिया नहीं होता है। तो क्योंकि इंटरव्यू में जब वो जाते हैं तो इंटरव्यू पूछते हैं कि आपने क्या काम किया क्यूबरनेटिस पे, किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का क्लस्टर है, क्लस्टर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा रेपोजिटरी यूज़ करते हो। तो आप लोगों को बेसिक आइडिया है क्या क्यूबरनेटिस का? हाँ भाई, ये सेशन उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिसको थोड़ा बेसिक आइडिया है क्यूबरनेटिस का, बट उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि इन्वायरमेंट में या प्रोजेक्ट में किस तरह के काम होते हैं क्यूबरनेटिस पे, किस तरह के इशू आते हैं। तो मैंने क्या क्या, जो अब तक मैंने जितने काम किए क्यूबरनेटिस पे, जितने भी इशू आए हैं, तो उसको मैंने नोट किया एक PPT में, उसका स्क्रीनशॉट लिया कि किस तरह के इशू आते हैं क्यूबरनेटिस में। तो मैंने 40+ इस तरह के इशू है, इस तरह के ये एप्लीकेशन पॉड होते हैं, ये कुछ क्रैश लूप बैकवर्ड स्टेट में जाते हैं, सम आर स्टक इन क्रिएटिंग स्टेट, सम आर स्टक इन एरर स्टेट। सो हाउ डू वी फिक्स, लाइक इंटरव्यू पूछते हैं कि सपोज तुम्हारा कोई एप्लीकेशन पॉड डाउन हो गया है, तो उसको कैसे फिक्स करोगे, क्या रीज़न है, वो क्यों डाउन हुआ है, क्रैश लूप बैक ऑफ में क्यों गया है, सो हाउ डू यू फिक्स द इशू। सो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लाइव ट्रबल शूट करेंगे, वो क्रैश लूप बैक ऑफ में पॉड रहेगा उसको फिक्स करना, वॉट ऑल द रीज़न वाई इट इज स्टक इन क्रैश लूप बैक ऑफ स्टेट। सो आई हैव नोटेड मोर देन 40+ इशू इन आवर सेशन, इन आवर PPT, सो वी कैन डिस्कस ऑल वन बाई वन इन द नेक्स्ट सेशन। आई जस्ट गिव अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट वट वी हैव, वट वी विल कवर इन आवर सेशन। सो समटाइम ये पॉड फेल ड्यू टू ऑथराइजेशन, समटाइम वेन वी गो टू चेक द लॉक्स ऑफ द कंटेनर, वाई इट गो वट वाई इट स्टक इन क्रैश लूप बैक ऑफ स्टेट, सो वी हैव टू फाइंड, यू कैन सी इट हियर, द स्टेटस ऑफ पॉड इज क्रैश लूप बैक ऑफ स्टेट। सो ये एप्लीकेशन डाउन हो गया है, तो इसका हम लॉग देखते हैं, या फिर डिस्क्राइब कमांड रहता है, कुछ ट्रबल शूट कमांड है, तो वो रन करके देखते हैं कि क्या इशू है, ये पॉड क्यों डाउन हो गया है, तो उसको हम देखेंगे फिर। एंड दिस इज़ द वर्कर नोड, वर्कर नोड, सो कुछ वर्कर नोड ऑल्सो डाउन होता है, क्यूबलेट हैज दिस प्रेशर, सो दिस इज़ द एरर वट वी आर फेसिंग इन आवर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, कि सम ऑफ द वर्कर नोड इज डाउन। सो जनरली क्या होता है, एक वर्कर नोड पे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ये एक क्लस्टर होते हैं, उस क्लस्टर के अंदर हम 5 या 6 वर्कर नोड ऐड करते हैं, एंड देन उस वर्कर नोड पे मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि वर्कर नोड डाउन हो जाता है, तो सारे एप्लीकेशन इंपैक्ट होते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या हमें यूज़ करना होगा, तो हम उस केस में रेप्लिका सेट हम सेट करते हैं डिप्लॉयमेंट में। तो ये सब ये सब डिस्कस करेंगे कि ये इशू क्यों आता है, ये क्यूबलेट है डिस्क प्रेशर, इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो अगर बेसिक आइडिया है तो पता होगा ये क्यूबलेट इज अ कंपोनेंट ऑफ वर्कर नोड, सो अगर ये कंपोनेंट ऑफ वर्कर नोड ये डाउन होता है, तो उसको कैसे फिक्स करना है, कहाँ पे देखना है, वो होगा ये क्यूबलेट कहाँ पे रनिंग है, क्या स्टेटस है क्यूबलेट का, उसको कैसे फिक्स करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड देन हमने क्या किया है कि जितने भी अपने पास 20+ क्लस्टर है, तो
तो कभी भी पॉट डाउन होता है तो हम हमेशा ईच एंड एवरी क्लस्टर पर लॉग इन नहीं करते, वहाँ पर जाके नहीं देखते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलर्ट सेट करते हैं, अलर्ट मैनेजर। तो कोई भी पॉट डाउन होता है, कुछ भी इशू होता है क्लस्टर पे, तो हमें नोटिफिकेशन आ जाता है अपने मेल पे या फिर अपने डीएल पे। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे अलर्ट मैकेनिज्म सेट करना है क्लस्टर पे, किस तरह से अगर कोई भी पॉट डाउन होता है। पॉट समझ रहे ना क्या होता है पॉट? हेलो। हाँ, लॉजिकल एंटिटी ऑफ ए कंटेनर। राइट। तो अगर कोई पॉट डाउन होता है तो क्या, कैसे वो अलर्ट आ जाए हमें, फिर हम वो क्लस्टर, जैसे ये मैंने सेटअप किया है तो यहाँ पे डिटेल आते हैं, व्हाट इज़ द क्लस्टर नेम, व्हाट आर द प्रोजेक्ट नेम एंड विच व्हाट आर द पॉड नेम। सो इस तरह ये डिटेल आता है, फिर हम जाके वहाँ पे उस क्लस्टर को कनेक्ट करते हैं। तो वो मैं दिखाऊंगा क्लस्टर को कैसे कनेक्ट करना है, वहाँ पे सारे पॉड का स्टेटस कैसे चेक करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे आई हैव सेटअप टू AKS क्लस्टर। तो जनरली क्यूबरनेटिस में दो तरह के होते हैं क्लस्टर, एक बेयर मेटल क्लस्टर होता है, एक मैनेज क्लस्टर होता है। सो मैनेज क्लस्टर इज मैनेज बाई क्लाउड प्रोवाइडर। सो वी हैव फेमस क्लाउड प्रोवाइडर इज एज्योर, AWS एंड गूगल क्लाउड। सो इन एज्योर वी आर यूजिंग एज्योर AKS, एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस। सो इट्स अ मैनेज क्लस्टर। सो यहाँ पे हम मास्टर नोड हम मैनेज नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ वर्कर नोड मैनेज करते हैं। और बेयर मेटल के केस में क्या होता है, वहाँ पे हम मास्टर नोड सेटअप करते हैं थ्रू क्यूबेडियम एंड वी हैव सेटअप द वर्कर नोड। तो वो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। बट इन क्लाउड में क्या होता है, एक तो कॉस्ट सेविंग होता है, हम वहाँ पे मास्टर नोड यहाँ पे सेटअप नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्लस्टर बनाते हैं और वर्कर नोड हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट है कि हम मास्टर नोड यहाँ पे हम क्रिएट नहीं करते और उसका कॉस्ट भी सेविंग होता है। तो इसलिए जनरली अभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे माइग्रेट कर रहे हैं क्लाउड पे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लाउड पे ही डायरेक्टली काम करेंगे। एंड आई हैव डन ऑल्सो माइग्रेशन फ्रॉम ऑन प्रेम बेयर मेटल क्लस्टर टू क्लाउड। तो वो भी डिस्कस करेंगे कैसे हम बेयर मेटल क्यूबरनेटिस क्लस्टर को माइग्रेट करना है AKS में। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या टी टास्क है, क्या पोस्ट टास्क है, विच टूल वी हैव टू यूज फॉर माइग्रेशन। सो दोस्त थिंग वी कैन डिस्कस इन आवर सेशन। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट व्हाट द क्लाइंट इज आस्क। सो यू हैड हर्ड अबाउट एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, रजिस्ट्री प्राइवेट रजिस्ट्री रेपो। हाँ भाई, जो भी इमेजेस डॉकर से पुल करते हैं ना, तो एजीआर में मिल जाते हैं। वी हाँ नीड टू पुल फ्रॉम एसीआर फॉर डॉक, सिक्योरिटी हाँ रीजंस। डॉकर हब हो गया, वो पब्लिक रिपोजिटरी हो गया। बट इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू में जाओगे बोलोगे कि हम डॉकर हब मैनेज करते हैं, तो वो समझ जाएगी आप पे को आपने काम नहीं किया रियल इन्वायरमेंट में। तो जनरली इन्वायरमेंट में क्या होता है, हम प्राइवेट रिपोजिटरी यूज़ करते हैं। जैसे एज्यूर हो गया, वो एज्यूर कंटेनर रजिस्ट्री हम वहाँ करते हैं, एक हार्बर रजिस्ट्री हो गया जो थर्ड पार्टी टूल है, तो ये सब प्राइवेट रिपोजिटरी हो गया। तो प्राइवेट रिपोजिटरी में हम कैसे इमेज को पुश करते हैं आवर लोकल मशीन। सपोज ये अपना लोकल मशीन हो गया, ये अपना जम बॉक्स है, ये अपना जम बॉक्स है, यहाँ पे इतने सारे इमेज रखे हुए। ये इमेज एप्लीकेशन के इमेज है, जो एप्लीकेशन टीम ने ये बना के रखा या डेवलपर ने हमें दिया है। सपोज डेवलपर बोलता है कि हमने उसको एज्यूर कंटेनर, हमने उसको प्राइवेट रिपोजिटरी बना के दे दिया है। तो वो डिस्कस करेगा डिटेल में कि हम कैसे रिपोजिटरी रजिस्ट्री बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड वन रिपोजिटरी हियर एंड दिस इज अ रिपोजिटरी कंटेनर रजिस्ट्री। सो इस रिपोजिटरी में अभी तो एक ही इमेज है, बट इन आवर इन्वायरमेंट वी हैव 500 प्लस इमेज, 200 प्लस इमेज, इतने सारे इमेज होते हैं और सबका एक टैगिंग होता है। तो कभी कभी इशू अपने को आता है, एक इशू यहाँ पे भी है।
कभी कभी क्या होता है, इस तरह के एरर आते हैं कि ये जो पॉड है ये इमेज पुल बैक, ये इस कंटेनर रजिस्ट्री से इमेज पुल नहीं कर पा रहा है। वो अभी मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे क्यों नहीं हो रहा है, क्या इशू है, कैसे फिक्स करना है, बहुत सारे रीज़न है, तो वो एक एक डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी मैं एक इन्वायरमेंट बता दे रहा हूँ, क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह का रहता है, अपने पास प्राइवेट रिपोजिटरी रहता है, रजिस्ट्री रहता है, वहाँ पर हम सारे इमेज रखते हैं, उस पर क्लाइंट को या फिर डेवलपर टीम हो गया या एप्लीकेशन टीम हो गया उसको एक्सेस देना होता है। तो वो कैसे एक्सेस देते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन सेकंड हो गया रैंचर। रैंचर का आप लोग सुना है क्या नाम है रैंचर का? हेलो, हैव यू हर्ड अबाउट रैंचर, रैंचर टूल? आवाज़ नहीं जा रही क्या? नो सो रैंचर क्या होता है, एक टूल होता है, ये ओपन सोर्स है, फ्री वर्जन है, इसका कुछ कॉस्टिंग नहीं लगता। तो रैंचर क्या करता है, एक जीयूआई इंटरफेस करता है। सपोज मेरे पास 10 क्लस्टर है एंड हम उस क्लस्टर को हम या तो हम पुटी से कनेक्ट करते हैं थ्रू कमांड लाइन एजी कनेक्ट या फिर क्यूब कॉन्फिग फाइल। तो यहाँ पे हमको ईच एंड एवी क्लस्टर पर जा जा के लॉग इन करना होता है। बट रैंसर में क्या होता है कि हमको ये जीयूआई इंटरफेस देता है, हम यहाँ पे मल्टीपल क्लस्टर ऐड कर सकते हैं। सपोज ये एक क्लस्टर ये डाउन हो गया, यहाँ पे हम रैंसर में ऐड नहीं कर पा रहे, तो अभी मैं इस क्लस्टर को ऐड करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ये यहाँ पे डाउन है ये क्लस्टर। तो रैंसर में क्या होता है कि हम क्लस्टर को ऐड करते हैं, यहाँ पे काफ़ी इजी होता है मैनेज करना, मॉनिटर करना। सपोज ये अपना कोई प्रोजेक्ट है, कोई किसी एप्लीकेशन टीम का या फिर कोई मॉनिटरिंग टीम का, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन पॉड रनिंग हो रहे हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या स्टेटस है पॉड का, कितने सारे पॉड रन हो रहे हैं। अगर कोई पॉड डाउन होता है तो इस तरह का ये यहाँ पे इसी जीवाई में दिखता है कि या क्या इशू क्या हो रहा है, इसी ये वाले पॉड में इमेज पुल बैक ऑफ का एरर है, क्या रीज़न है। हम यहाँ से लॉक्स भी देख सकते हैं। सो वी हैव टू गो हेयर एंड चेक द वी लॉक्स, बट ये लॉक्स अभी जनरेट नहीं हुआ क्योंकि ये पॉड अप नहीं आया। जब पॉड अप आएगा तब उसमें लॉक जनरेट होता है। तो इन प्रोडक्शन केस में क्या होता है कि यहाँ पे हम या तो हम लॉक्स देख सकते हैं, यहाँ से हम रीस्टार्ट कर सकते हैं पॉड को। सो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन माइनस बटन, देन वी हैव रीस्टार्टेड द पॉड। ये टूल अभी जनरली अप आप लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो बताऊंगा वो कैसे आप आएगा, इसलिए तो यहाँ पे इतने सारे इशू है, वो एक बाई एक मैं डिस्कस करूँगा कि वो इशू क्यों आया, ओके ओके ये पॉड वाई दिस ओके पॉड इज ओके स्टक इन इमेज पुल बैक ऑफ एरर एंड हाउ डू वी फिक्स द इशू। तो इसके लिए ये मेरा सेशन इसी के लिए है कि जितने भी इशू हमें फेस करते हैं जो अपने इन्वायरमेंट में, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। कल को आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू पूछेगा कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने अपने क्यूबरनेटिस में। तो जनरली लोग तो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के जाते हैं, या तो यूट्यूब से या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, उनको बस थ्योरेटिकल नॉलेज होता है एंड वो लैब पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि क्या क्या प्रोडक्शन में इशू आते हैं, किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या डे टू डे टास्क होता है एंड किस तरह का आपका इन्वायरमेंट है, लाइक कितने क्लस्टर है, क्लस्टर का क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या साइज़ है, कौन से आप मॉनिटरिंग टूल यूज़ करते हैं, कौन सा बैकअप टूल यूज़ करते हैं, कौन सा लॉगिंग टूल यूज़ करते हैं एंड कितने सारे और किस तरह के एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करते हैं और उस एप्लीकेशन को किस तरह मैनेज करते हैं, एंड आप कौन सा रिपोजिटरी यूज़ करते हैं, उसको कैसे आप सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करते हैं। सपोज यू आपके पास यू हैव मल्टीपल टीम, कोई डेवलपर टीम है, कोई क्वालिटी की टीम है, कोई प्रोडक्शन की टीम है, कोई मॉनिटरिंग की टीम है, कोई ऑपरेशन की टीम है, तो आप कैसे सेग्रीगेट करें कि ये टीम बस इसी प्रोजेक्ट को हैंडल करे, इसी प्रोजेक्ट पे हम परमिशन देना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे।
यहाँ पे ये रेंचर है, रेंचर में हम कैसे अपने क्लस्टर को ऐड करना है, अगर कुछ इश्यू आ रहा है जब क्लस्टर किसी भी क्लस्टर को रेंचर में ऐड करना है तो उसको कैसे फिक्स करना है। ये एक AKS क्लस्टर अपग्रेडेशन, ये आप इन्वायरमेंट में हर एवरी क्वार्टर यू हैव टू अपग्रेड योर AKS क्लस्टर। और ये इंटरव्यू पूछते ही पूछता है कि आपने या AKS या क्लस्टर आपने अपग्रेड किया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा हर क्वार्टर दे हैव अपग्रेड द वर्जन। सो यू कैन टेल लाइक यू हैव अपग्रेडेड द AKS क्लस्टर फ्रॉम 1.18 टू 1.19 और लेटेस्ट अभी 1.23 है। तो आपको ये बताना होगा, अगर आप जेन्युइन काम किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका AKS क्लस्टर कौन सा वर्जन का है, कौन सा लेटेस्ट वर्जन है और आपने किस वर्जन पे अपग्रेड किया है। अगर आप इस तरह से आप बोलोगे इंटरव्यू में तो वो इंटरव्यू के समझेगा कि आपने सही में जेन्युइन काम किया है, क्योंकि 80% 90% लोग सिर्फ थ्योरी को पढ़ के जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं, वो रिज्यूम में मेंशन करते हैं मैंने ये काम किया वो काम किया, लेकिन जब इवन मैंने खुद इंटरव्यू लिया बहुत लोगों का, उनका रिज्यूम देख के लगता है कि वो मास्टर है क्यूबरनेटिस में, बट जब पूछने जाता हूँ कि बताओ आपने क्लस्टर अपग्रेड किया है कौन से वर्जन से किस वर्जन पर अपग्रेड किया है, तो वो नहीं बता पाता। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो बंदा मतलब फेक है, उसने काम किया नहीं, वो बस सीधा पढ़ के आ गया है अपना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर गया। तो जब हम पूछने जाते हैं कि ठीक है आप जो एप्लीकेशन पॉड है उसको आप एक्सेस कैसे करेंगे आउटसाइड योर क्लस्टर, हाउ डू यू एक्सेस योर एप्लीकेशन पॉड फ्रॉम आउटसाइड द क्लस्टर, तो वो बोलता है नोड पोर्ट करते या लोड बैलेंसर सर्विस करते, बट जनरली इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट वी आर यूजिंग एनजेनस इंग्रेस कंट्रोलर। तो ये एनजेनस इंग्रेस कंट्रोलर के थ्रू हम अपना एप्लीकेशन के जो सर्विस है या एप्लीकेशन है वो एक्सपोज करते हैं आउटसाइड द क्लस्टर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम पूछने जाते हैं कि कोई एप्लीकेशन कोई पॉड डाउन हो गया है, इफ़ एनी पॉड इज हैविंग द इमेज पुल बैक ऑफ एरर, सो व्हाट आर ऑल द पॉसिबिलिटी व्हाई इट गोज डाउन, हाउ डू यू फिक्स द इशू, तो वो नहीं बता पाता। तो इसलिए मैंने ये सोच के ये सेशन रखा है कि ये मैं डिस्कस करूँगा सेशन में कि क्या क्या रियल टाइम इशू क्या क्या फेस करते हैं, उसको क्या क्या क्यों वो इशू होता है, उसको फिक्स कैसे करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी इट हियर, पॉड हैविंग इमेज पुल बैक ऑफ एरर एंड सम टाइम द कस्टमर आस्क टू एक्सेस प्रोवाइड द एक्सेस ओवर द रेंचर। सो ये रेंचर पे हमें एक्सेस देना है किसी को, तो वो कैसे देना है, क्या मतलब आप ये किस तरह का, अगर बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट है हमें हर प्रोजेक्ट पे एक्सेस देना है, तो वो किस तरह से हमें एक्सेस देना है। तो यहाँ पे मेंबर टैब है, मेंबर में जाके यहाँ पे हम एक्सेस देना होगा, या तो यूजर क्रिएट करना है एंड देन फिर उस प्रोजेक्ट पे हमें एक्सेस देना ओनर का मेंबर का लीड वनली। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में आगे के सेशन में, ये सिर्फ डेमो है क्योंकि टाइम भी कम है, हमें 1 घंटे का ही ये सेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें भी देखनी है। सो पॉड आर डाउन ड्यू टू OCI रन टाइम, अगर इस तरह का एरर आता है कभी इंटरव्यू पूछता है कि अगर पॉड आर डाउन ड्यू टू OCI रन टाइम, इसका क्या रीज़न है, हम कैसे फिक्स करेंगे। तो जनरली ये CPU की वजह से होता है, ये CPU पे ज़्यादा लोड होता है, या फिर CPU का 90% या 100% या थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो ये इशू आता है, तो हम इस केस में अब स्केल अप करते हैं पॉड को। सो मल्टीपल वे है स्केल अप करने का पॉड को, वो आगे देखेंगे। सो समटाइम्स PVC इशू, PVC पता है कि आप लोग को व्हाट इज PVC। सो PVC क्या, हाँ भाई, सो PVC पर्सिस्टेंस वाले। हाँ परसिस्टेंट वॉल्यूम, इसमें क्या होता है जो एप्लीकेशन का डेटा है वो इसके अंदर स्टोर होता है जो एप्लीकेशन का पॉड है। सो परसिस्टेंट वॉल्यूम, ये एक कस्टमर ने मुझे मेल किया था कि यार वी आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी न्यू वॉल्यूम्स इन डेव एंड क्वालिटी इन्वायरमेंट। सो इस तरह का मतलब रिक्वायरमेंट आता है कस्टमर के कि वो PVC क्रिएट नहीं कर पा रहा है इस इन्वायरमेंट में, तो मैं जाके चेक किया तो वहाँ पे पता चला ये चीज़ मिसिंग है, तो ये सारी चीज़ है यहाँ पे, स्टोरेज क्लास मिसिंग रहता है। सो कभी भी PVC बनाए गए तो उससे पहले हमें स्टोरेज क्लास बनाना होता है, तो स्टोरेज क्लास आइदर स्टैंडर्ड हो प्रीमियम हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हम PVC एज्योर डिस्क यूज़ करते हैं, तो एज्यूर डिस्क के लिए हमें एक स्टोरेज क्लास बनाना होता है, तो हमारे केस में क्या था स्टोरेज क्लास मिसिंग था,
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोरेज क्लास में वॉल्यूम बाइंडिंग आती है, वॉल्यूम टू देयर टू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम बाइंडिंग, इमीडिएट एंड वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, क्या इशू आता है, कैसे फिक्स करना है। तो ये एप्लीकेशन पॉड है इलास्टिक सर्च, ये पॉड डाउन होता है वर्चुअल मेमोरी का, तो इसको कैसे फिक्स करना है। इलास्टिक सर्च पॉड आर इन क्रैश लूप बैक ऑफ स्टेट। तो समटाइम्स ये ऑथराइजेशन का इशू आता है। सपोज मेरे पास रिपोजिटरी है, प्राइवेट रिपोजिटरी है, बट वो पॉड उसको ऑथराइज नहीं कर पा रहा, तो उसको कैसे फिक्स करना है। तो इस केस में हम क्या करें, एक सीक्रेट्स बनाना होगा एंड वो सीक्रेट्स को हमें उस पॉड के मैनिफेस्ट में डालना होगा, देन वो फिर ऑथराइज वाला इशू फिक्स होता है। ये अभी मैं लैब में दिखाऊंगा ये वाला इशू। एंड समटाइम्स ऐप यू आर नॉट वर्किंग, सपोज अपना फ्लिपकार्ट का URL है तो वो डाउन हो गया, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे। कोई भी जनरली जो होता है अपना कस्टमर के पास कुछ वेब URL रहता है, या फिर कुछ उनका क्या कहते हैं मार्केटिंग का, या फिर उनका कोई टूल का रहता है एप्लीकेशन, तो वो URL डाउन हो जाता है, तो उसको कैसे फिक्स करना है। व्हाट इज द रीज़न वाइट वाइट डाउन एंड कैसे उसको फिक्स करना है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में भी, एक मैं टॉमकैट का एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा एज अ पॉड एंड वो टॉमकैट का URL नहीं चलेगा, तो उसको कैसे फिक्स करना है, क्या चीज़ें हमें देखना है वहाँ पे, जब टॉमकैट का कैसे अपना ट्रैफिक फ्लो होता है वो आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, कि अपना ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है, मतलब बाहर के नेटवर्क से इनसाइड क्यूबरनेटीज क्लस्टर में कैसे ट्रैफिक फ्लो होता है, कैसे ट्रैफिक जाता है, क्या क्या चीज़ें बीच में आती है। जैसे पॉड हो गया, पॉड के ऊपर सर्विस आता है, सर्विस के बाद इंग्रेस ऑब्जेक्ट आता है, देन इंग्रेस ऑब्जेक्ट के बाद इंजन एस इंग्रेस कंट्रोलर आता है। तो यहाँ पे इंजन एस इंग्रेस कंट्रोलर एज अ लोड बैलेंसर रहता है। तो इस तरह से हम चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे लेबल होता है, सिलेक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एंड वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो समटाइम वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ इश्यू, क्यूबलेट स्टॉप वर्किंग ऑन वर्कर नोड। सो कभी होता है वर्कर नोड डाउन हो जाता है, तो इंटरव्यू पूछता है कि सपोज योर वर्कर नोड नॉट रेडी स्टेप, तो हाउ डू यू फिक्स द इशू। तो बता सकते हैं दे आर मल्टीपल वे, लाइक वर्कर नोड डाउन होने का बहुत सारे वे है, तो वो सारे आप डिस्कस वो सब आप एक्सप्लेन करोगे, वो इशू को कैसे फिक्स करना है वो आप बताओगे, तो देन दे कैन फेथ इन यू। सो इस तरह के ओ एम किल्ड एरर आते हैं पॉड्स में। इवन मैं भी जब इंटरव्यू दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा था कि आपके पॉड में ओ एम किल्ड एरर आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्या रीज़न होता है, उसको इशू कैसे फिक्स करना है। इस तरह का ओ एम किल्ड करके जो एरर आते हैं, जब जब पॉड डाउन होता है तो ये कमांड रन करना होता है, क्यूब CTL डिस्क्राइब पॉड एंड पॉड नेम। तो ये कमांड रन करने पे हमें वो इवेंट देखना होता है, उसमें रीज़न क्या है पॉड डाउन होने का। तो अगर ओ एम किल्ड के रीज़न आते हैं तो ये जनरली CPU और मेमोरी की वजह से होता है, या तो इस पॉड पे ओवर यूटिलाइज हो गया, या तो हमको इसके CPU मेमोरी इंक्रीज करना होगा, या फिर एक नया पॉड ऐड करना होगा इसके अंदर। सो सम पॉड्स आर इन पेंडिंग स्टेट, सो वाट इज़ द रीज़न, सो आई एम हाउ डू यू फिक्स द इशू। सो पॉड इस तरह के पेंडिंग स्टेट में रहते हैं, सपोज आई एम गोइंग टू डिप्लाई वन एप्लीकेशन हियर। दिस इज़ द YAML फाइल ऑफ पॉड, तो आपने अगर बेसिक किया तो आपको पता होगा ये किस तरह लिखते हैं, इसमें हर चीज़ का क्या मीनिंग। ये काफ़ी सिंपल ये YAML फाइल है, यहाँ पर काइंड हम डिफाइन करते हैं, काइंड क्या पॉड है, नेम स्पेस कि पॉड का क्या नाम होगा, माई पॉड रहेगा, कौन सा इमेज यूज़ होता है, ये इमेज यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एंड इसका रिसोर्स का क्या CPU मेमोरी कितने होंगे ये यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एंड ये वॉल्यूम हो गया, जब हम पॉड बनाते हैं तो ये वाला सिंटेक्स हो गया वॉल्यूम्स के लिए हो गया, कि कौन सा वॉल्यूम माउंट का क्या पाथ होगा, कौन सा PVC यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं ये पॉड डिप्लॉय कर रहा हूँ।
सो दिस इज द कमांड टू अप्लाई द यामल फाइल. ये कमांड है क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ. क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ पार्क डॉट यामल. सो यहाँ पे देख सकते हैं दिस पॉड इज स्टक इन पेंडिंग स्टेट. तो इस तरह के इशू आते हैं अपने इन्वायरमेंट में. ये पॉड पेंडिंग स्टेट में आ गया, बाकी पॉड रनिंग स्टेट है बट ये पॉड पेंडिंग में है. तो हमें फाइंड करना रीज़न कि ये पॉड पेंडिंग स्टेट में क्यों है. तो उसके लिए कमांड होता है क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब पॉड एंड द पॉड नेम. तो यहाँ पे वार्निंग इवेंट है. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है रूट कॉज फाइंड करने के लिए कि ये पॉड डाउन क्यों है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0/1 नॉट आर परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम चावेट पीवीसी नॉट फाउंड. मीन्स इस पॉड के साथ जो पीवीसी है वो अटैच नहीं है. मतलब इस पॉड के यामल में हमने पीवीसी डिफाइन किया है बट वो पीवीसी बना हुआ नहीं है. क्यूब सी टी एल गेट पीवीसी, व्हेन वी रन दिस कमांड क्यूब सी टी एल गेट पीवीसी, सो जावेद पीसी इज नॉट फाउंड इन आवर पीवीसी लिस्ट. वी हैव ओनली वन पीवीसी फाइंड PVC-01. तो रियल टाइम प्रोडक्शन केस में भी अगर इस तरह का इशू आता है तो हमें फाइंड करना होता है कि ये पॉड इस पीवीसी के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं. तो फर्स्ट वे हमें चेक करना है एज पर द इवेंट कि यहाँ पे क्लियर ये मेंशन कर रहा है कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम इज मिसिंग है. तो अपने को ये कमांड रन करना होगा क्यूब सी टी एल गेट पी वी सी. तो ये जितने भी पी वी सी के लिस्ट है वो सारे यहाँ पे शो हो गए. अगर सपोज मेरे केस में इन्वायरमेंट पे 50 पी वी सी रहते हैं, 50 पी वी सी है, तो हमें इस पी वी सी के नाम को फाइंड करना होगा जावेद पी वी सी अपने पी वी सी लिस्ट में कि वो पी वी सी है कि नहीं. अगर वो नहीं है तो हमें क्रिएट करना होगा. तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा क्योंकि पी वी सी नॉट फाउंड बोल रहा है. तो हम एक यामल फाइल है अपने पास, वहाँ से हम पीवीसी क्रिएट करेंगे. व्हाट आर द नेम ऑफ पीवीसी, जावेद पीवीसी. तो इट्स अ वेरी सिंपल यामल फाइल. वी हैव टू जस्ट डिफाइन द स्टोरेज, 1 GB का ये पीवीसी रहेगा. और ये और मैंने बोला था मैंडेटरी रहता है स्टोरेज क्लास डिफाइन करना, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड किया है. जब ये फाइल सेव करते हैं इसको अप्लाई कमांड से हमें रन करना होगा ये पीवीसी को QPTL get PVC. तो यहाँ पे एक और इशू आ गया कि ये पीवीसी भी नहीं क्रिएट हो पाया, ये भी पीवीसी पेंडिंग स्टेट में आ गया है. तो अभी क्या करना होगा, इसको भी हमें डिस्क्राइब करके देखना होगा क्या इशू है. QPTL get डिस्क्राइब पीवीसी एंड जावेद पीवीसी. तो यहाँ पे इवेंट क्या कहता है, परसिस्टेंट वेटिंग फॉर पॉड माई फर्स्ट पॉड टू बी शेड्यूल्ड. तो यहाँ पे क्या इशू रहता है, तो इस तरह का कभी भी वेटिंग फॉर पॉड रहेगा तो हमें स्टोरेज क्लास फाइंड करना है कि स्टोरेज क्लास आए कि नहीं. यहाँ पे क्यूब सी टी एल गेट स्टोरेज क्लास UPTL get PVC. तो हमें रिक्रिएट करना होगा क्योंकि यहाँ पे
हमने स्टोरेज क्लास का नाम ये डिफाइन करना है स्टडी क्लास, एंड ये वॉल्यूम बाइंडिंग मोड शुड बी इमीडिएट। अगर ये वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर रहेगा तो ये पीवीसी नहीं क्रिएट होगा, तो हमें ये चेक करना होगा जो स्टोरेज क्लास है वो हमेशा इमीडिएट होना चाहिए, तो इसलिए हम ये वाला स्टोरेज क्लास यूज़ करेंगे अपने यामल फाइल में। नाउ यू कैन सी बॉन्ड, ये पेंडिंग से बॉन्ड में आ गया, मतलब बॉन्ड में आ गया ये पीवीसी अब एक्टिव हो गया है। तो हमें पॉड का स्टेटस देखना, क्यूब सी टी एल गेट पॉड, देन ये पॉड भी इशू रिजॉल्व हो गया। अर्लिया इट वॉज इन स्टक इन पेंडिंग स्टेट, नाउ ये पॉड अब कम अप आ रहा है, अब ये अप आ रहा है, रनिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा इशू क्या था कि ये पॉड के साथ पीवीसी अटैच नहीं था, तो हमने एक पीवीसी क्रिएट किया। तो जब पीवीसी क्रिएट किया तो वहाँ पे स्टोरेज क्लास का इशू था, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट दिखा रहे कि हम किस तरह से ये सेशन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे वो पीवीसी भी पेंडिंग स्टेट में आ गया था, तो उसका रीज़न था स्टोरेज क्लास मिसिंग था, तो हमने स्टोरेज क्लास अपडेट किया। तो देन आफ्टर यहाँ पे वो पॉड फिर क्रिएट हो जाए, वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो ये इस तरह का इशू हमको कैसे फेस करना है, इस तरह का इशू आता है पॉड आर इन पेंडिंग स्टेट, अगर इंटरव्यू पूछता है कि वहाँ पॉड पेंडिंग स्टेट में है तो क्या रीज़न है। सो वी हैव मल्टीपल रीज़न, आई हैव नोटेड डाउन व्हाट ऑल द इशू, क्या क्या रीज़न होगा उसके पॉड डाउन होने का, उसको फिक्स कैसे करना, वो मैंने नोट्स भी बना रखा है। सो अगर पॉड क्रैश लूप बैक ऑफ स्टेट में होगा तो ये सारे रीजन है, 6 पॉइंट होगा कि ये अगर ये सब हो जाता है तो पॉड अपना क्रैश लूप बैक स्टेट में होगा, उसको कैसे फिक्स करना वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमने 10 से 12 जो सिनेरियो बेस्ड जो इशू रहता है, अगर इस तरह का इशू आता है तो क्या रीज़न होगा, उसको कैसे फिक्स करना है, एंड वो चीज़ें मैं लाइव ट्रबल शूट करके दिखाऊंगा कि उसको कैसे फिक्स करना है। रिक्वेस्ट फॉर अप्लाई नोड सेलेक्टर, सो कभी कभी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि अपने क्लस्टर में वी हैव 5 वर्कर नोड, एंड कस्टमर चाहता है कि उसका पॉड वर्कर नोड 1 पे ही रहते, वो किसी दूसरे नोड पे शेड्यूल नहीं हो जाए। तो इस तरह से हमें ये रिक्वायरमेंट आता है कस्टमर की तरफ से कि आप ये पॉड को एक पार्टिकुलर वर्कर नोड पे ही रखना है, वो किसी दूसरे वर्कर नोड पे मूव नहीं हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या क्या, किस तरह ये टारगेट हमको अचीव करना है, तो इसके लिए मल्टीपल वे है, एक नोड सेलेक्टर है, एफिनिटी रूल है, टेंट एंड टॉलरेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करें। सो पॉड आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद टीचर, कभी कभी होता है कि एक पॉड दूसरे पॉड से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, एक दूसरे को पिंग नहीं कर पा रहा, तो उसका क्या रीज़न है, उसको कैसे फिक्स करना है। सो हाउ टू क्रिएट TLS सर्टिफिकेट, कि कभी हम कोई एप्लीकेशन डिप्लाई करते हैं तो जब उसको हम इंटरनेट पर डालते हैं, जैसे HTTPS एंड द URL, तो वो सिक्योर नहीं रहता है, तो हमको हम उसे HTTP से HTTPS पे कैसे डालना है, कैसे SSL सर्टिफिकेट जनरेट करना है, देन हाउ डू वी इम्पोर्ट SSL सर्टिफिकेट ओवर द एप्लीकेशन, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक हाउ टू सिक्योर योर HTTP टू HTTPS, कि कभी अपना URL होता है या कभी SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो गया तो हम उसको क्या कैसे रीन्यू करेंगे, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड समटाइम वार लिप डॉकर साइज, ये साइज़ फुल होता है, ये 82% या 90%, सो वार लिप डॉकर के अंदर ही अपना कंटेनर रन होते, अगर बेयर मेटल क्लस्टर रहा तो ये फाइल सिस्टम के अंदर अपने सारे कंटेनर रन होते हैं और उसके लॉग्स फाइल जनरेट होते हैं।
तो ये काफ़ी कॉमन इशू है, ये होता है, ये हर जगह ये फेस करते हैं ये इशू, इवन सभी इन्वायरमेंट में ये इशू आते ही है। तो इसको कैसे फिक्स करना है एंड क्या चीज़ें डिलीट करना है, कैसे इसमें क्या चीज़ें देखनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस में डिटेल करें डिस्कस में देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। एंड पॉड आर स्टक इन क्रिएटिंग स्टेट, सो सम टाइम पॉड आर स्टक इन क्रिएटिंग स्टेट, व्हाट आर द रीज़न, तो सम टाइम ड्यू टू द इशू ऑफ द वॉल्यूम्स, तो वो वॉल्यूम्स अपने को चेक करना है कि वो माउंट है कि नहीं। एंड हाउ टू स्टार्ट क्यूबलेट कंटेनर, सो क्यूबलेट कॉम्पोनेंट को हम अगर वो स्टक होता है उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टॉप करना है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो इविक्टेड पॉड, तो इन इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे इविक्टेड पॉड जनरेट हो जाते हैं, बहुत सारे फेल्ड पॉड होते हैं जिससे अपने क्लस्टर पर लोड पड़ता है, या तो उस पर वाल लिफ डॉकर फाइल सिस्टम बढ़ जाता है, ज़्यादा लोड पड़ता है, तो वो हमें क्या है, सब कभी कभी 1-1 हज़ार भी फेल्ड पॉड आते, कभी 800-500 आते, तो उसको एक सिंगल कमांड में कैसे डिलीट करना है, क्योंकि हम वन बाय वन नहीं जाते डिलीट करने, हम एक सिंगल कमांड होता है वो रन करते हैं, सारे इविक्टेड पॉड जितने भी क्लस्टर पे है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, पीवीसी या इनपेंडिंग सीट, वो अभी हमने देखा है। कभी कभी नेम स्पेस, नेम स्पेस पता है क्या होता है नेम स्पेस? हेलो, सो नेम स्पेस स्टक इन टर्मिनेटिंग स्टेट, तो इसको कैसे फिक्स करना है, कभी हम नेम स्पेस डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता, तो क्या कमांड है उसको डिलीट करने का, क्या अप्रोच है, कैसे ये इशू फिक्स करना है। ये सारे इशू है कि हम कैसे अपने इमेज को सपोज अपने रिपोजिटरी में मूव करना है, सपोज अपने लोकल मशीन पे ये सारी इमेज है, इसको हमें अपने प्राइवेट रिपोजिटरी में मूव करना है, तो कैसे मूव करेंगे, क्या कमांड होगा, क्या अप्रोच है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, अपने पहले जो ए सी आर है रिपोजिटरी उस पर लॉग इन करना होगा, तो अपने पास ये हमने रिपोजिटरी बना के रखा है, वो मैं दिखाऊंगा आगे के सेशन में कि कैसे अपने प्राइवेट रिपोजिटरी बनाते हैं एंड उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने क्लस्टर के साथ, एंड कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं कि अपना जो पॉड है वो इमेज पुल कर सके वहाँ से। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, ये एनजेनएक्स का पॉड है, ये अभी प्राइवेट रिपोजिटरी, ये पब्लिक रिपोजिटरी से पुल कर रहा है ये इमेज, ये एनजेनएक्स का है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एनजेनएक्स के जो इमेज है इसको मैं पब्लिक रिपोजिटरी डॉकर हब से डाउनलोड करूँ अपने लोकल मशीन पे, एंड देन लोकल मशीन से हम इसको पुश करूँ अपने प्राइवेट रिपोजिटरी में, एंड देन हम उसका पाथ दो, तो वो कैसे अचीव करना है। फर्स्ट वी हैव टू पुल द इमेज डॉकर पुल एनजेनएक्स, तो ये अभी पब्लिक रिपोजिटरी से ये पुल कर रहा है इमेज, ये एप्लीकेशन का इमेज रहता है, इससे एप्लीकेशन रिप्लाई होता है इस इमेज के यूज से, तो डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पे हमने देखा ये पुल हो गया, ये अपने लोकल मशीन पे ये इमेज आ गया है एनजेनएक्स लेटेस्ट वाला। अब हम चाहते हैं ये इमेज को अपने प्राइवेट रिपोजिटरी में मूव करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले अपने रिपोजिटरी पे लॉगिन करना होगा, तो उसके कमांड्स होते हैं कुछ, वो आपको नोट करना होगा, देखना होगा। सो दिस इज द कमांड, फर्स्ट यू हैव टू एजी अकाउंट सेट,
नाउ यू हैव टू रन दिस कमांड एजी एसीआर लॉग इन एंड योर प्राइवेट रिपोजिटरी नेम. सो दिस इज द आवर रिपोजिटरी नेम इमेज रेपो एसीआर. इमेज रेपो एसीआर दिस इज आवर रिपोजिटरी नेम. तो दिस इज द कमांड टू लॉग इन आवर प्राइवेट रिपोजिटरी एजी एसीआर लॉग इन. नाउ से लॉग इन सक्सीडेड. अब क्या करना होगा, आपको जो इमेज है उस इमेज को पहले अपने को डॉकर टैग लगाना होगा. तो ये इमेज को अपने को पुश करना है लोकल सिस्टम से अपने प्राइवेट रिपोजिटरी में. वो अपने को यहाँ पे ये सिंटर ये कमांड है अपने को पुश करने का. तो डॉकर टैग एंड योर इमेज नेम एंड कहाँ से आपको टैग करना किस रिपोजिटरी में. तो यू हैव टू मेंशन योर रिपोजिटरी नेम, दिस इज आवर रिपोजिटरी नेम एंड योर इमेज एंड योर टैग, व्हाट इज योर टैग वर्जन ऑफ द इमेज. डॉकर टैग. नाउ यू हैव टू चेक कि आपका इमेज टैग हो गया कि नहीं उससे रिपोजिटरी के नाम से. सो यहाँ पे यू कैन सी इट हियर, यू हैव टू टैग विथ योर रिपोजिटरी नेम, दिस इज योर रिपोजिटरी नेम. नाउ यू हैव टू डायरेक्टली पुश दिस इमेज टू रिपोजिटरी, डॉकर पुश एंड दिस इज द नेम ऑफ इमेज. नाउ तो ये पुश कर रहा लोकल सिस्टम से अपने प्राइवेट रिपोजिटरी में. नाउ यू कैन सी इट हियर, दिस इज आवर प्राइवेट रिपोजिटरी. देन यू कैन सी इट हियर कि आपका इमेज यहाँ पे आ गया प्राइवेट रिपोजिटरी में एंड दिस इज द पाथ डॉकर पुल इमेज. तो जनरली इन आवर केस अपने इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ये प्राइवेट रिपोजिटरी में जो पाथ है वो हम जाके एप्लीकेशन के पॉड में डिफाइन करते हैं कि ये पाथ है प्राइवेट रिपोजिटरी का. तो ये जो स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है ये हर कंपनी फॉलो करती है. वो कोई भी एप्लीकेशन का इमेज वो डायरेक्टली पब्लिक रिपोजिटरी से पुश नहीं करती, वो सारे प्राइवेट रिपोजिटरी को ही यूज़ करती है. सो वी हैव टू डिफाइन द पाथ ऑफ योर इमेज इन आवर पॉड एप्लीकेशन. सो ये आपका पॉड एप्लीकेशन है. तो दिस इज द पॉड एप्लीकेशन. नाउ इट इज पुलिंग द इमेज फ्रॉम द पब्लिक रिपोजिटरी. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट. सो दिस इज डॉकर इमेज. वी हैव टू डिफाइन द पाथ ऑफ योर प्राइवेट रिपोजिटरी. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अनऑथोराइज दिस पॉड इज हैविंग इशू विथ इमेज पुल बैक ऑफ एरर. सो दिस इज वेरी कॉमन इशू. लाइक एवरी ये आपको इशू मिलेगा ही मिलेगा आपके जब इन्वायरमेंट में काम करोगे. तो इस तरह के इन्वायरमेंट में इशू मिलेगा ही. इवन इंटरव्यू भी पूछता है कि आप जब आप प्राइवेट रिपोजिटरी आपका पॉड प्राइवेट रिपोजिटरी से इमेज पुल नहीं कर पा रहा है तो क्या इशू क्या है. तो यहाँ पे क्या इमेज पुल बैक ऑफ एरर है. तो इसके लिए क्या करना, यहाँ पे बहुत सारे वे है अपने को फिक्स करने का. वो मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा कि इसको कैसे फिक्स करना है. वो एक सीक्रेट्स बनाना होता है, सीक्रेट्स बना के हम पॉड में, अभी टाइम कम है अभी, तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा. ये इशू कैसे फिक्स करना है, क्या क्या रीज़न है ये इशू आने के, इसको कैसे फिक्स करेंगे. जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने अपना प्राइवेट रिपोजिटरी का पाथ दे रखा है, ये इमेज पुल कर रहा है, सक्सेसफुली इमेज पुल कर रहा है, तो क्या रीज़न है. तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे. और क्या है इसमें, और फिर ये टॉप कमांड क्या क्या बेसिक कमांड्स है, क्या आपको इंटरव्यू में क्या आपको करना है. सपोज आप इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यू पूछता टेल मी अबाउट ब्रीफ इंट्रो ऑफ योर प्रोजेक्ट.
तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपका इन्वायरमेंट में किस तरह का इन्वायरमेंट है, कितने क्लस्टर यूज होते हैं, और कैसे आपको बोलना है कि आपने ये काम किया, क्योंकि आपने जेन्युइन तो काम किया नहीं, आपने रिज्यूमे में लिखा है कि 2 साल आपको एक्सपीरियंस है क्यूबरनेटिस का, तो वो सब चीज़ें मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, क्या बोलना आपको इंटरव्यू में, कैसे बोलना है, कैसे इन्वायरमेंट आपको डिस्क्राइब करना है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं, क्या क्या इशू फेस किए, क्या क्या चैलेंज फेस किए हैं, और क्लस्टर अपग्रेडेशन करना है। अपार्ट फ्रॉम रियल टाइम इशू आई विल डिस्कस, आई विल कवर दिस टॉपिक, दिस इज़ द एडवांस टॉपिक। तो इस केस में कि आपको AKS क्लस्टर कैसे बनाना है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, रैंचर क्या होता है, उसको कैसे सेटअप करना है, एंड रैंचर में क्लस्टर कैसे ऐड करना है, मॉनिटरिंग कैसे सेटअप करना है, कि अलर्ट मैकेनिज्म कैसे सेट करना है, सर्विस कितने टाइप के होते हैं, और सीक्रेट्स क्या होते हैं, सीक्रेट्स कैसे बनाना है, इंपोर्ट कैसे करना है सीक्रेट्स को, SSL सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसको इंपोर्ट कैसे करना है, AKS क्लस्टर कैसे अपग्रेड करना है, क्या चैलेंज फेस करते हैं अपग्रेडेशन में, कैसे स्केलिंग अप करना है। सपोज तुम आपके क्लस्टर में 4 वर्कर नोड है एंड ऑल आर ऑक्यूपाइड विथ 90%, 80% यू है ओवरलोडेड, सो यू हैव टू ऐड 1 एक्स्ट्रा नोड इन टू द क्लस्टर, सो वो कैसे स्केल करना है AKS क्लस्टर को, वो चीज़ें मैं लाइव दिखाऊंगा अपने लैब में, एंड हाउ टू क्रिएट प्राइवेट रिपोजिटरी, व्हाट इज परसिस्टेंट वॉल्यूम, सपोज आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम 100 GB का है, वो ऑक्यूपाइड हो गया, 90 90 GB वो फुल हो गया, हमको कैसे एक्सटेंड करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे डाउन टाइम लेना है, कि क्या हम डायरेक्टली जाके एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसका एक प्रोसेस होता है, वो डिस्कस करेंगे, हाउ टू ऐड PV इन टू वॉल्यूम, हाउ टू एक्सटेंडेड परसिस्टेंट वॉल्यूम, बैकअप टूल क्या होता है, कैसे बैकअप टूल, वो तो मैं टाइमली मैं तो दिखाता भी कैसे बैकअप लेना है, कैसे रिस्टोर करना है, तो वो सब चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। वेलोरा से बैकअप, वेलोरा सर्वर सेटअप करना है एंड वेलोरा से कैसे बैकअप लेना है पॉड का, क्लस्टर का, कैसे रिस्टोर करना है, एंड हाउ डू टेक बैकअप, हाउ टू माइग्रेट नेम स्पेस, एंड हाउ टू माइग्रेट, लाइक आपके पास 2 क्लस्टर है एंड आपको रिसोर्स को माइग्रेट करना है एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर पर, तो वो सारी चीज़ें देखनी है, वो सब डिस्कस करेंगे, एंड अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं ये मेरे पास ये वीडियो है 15 आवर्स के, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, मैं सेशन 1 वीक के बाद 9 मई से स्टार्ट करूँगा, तो तब तक आप थोड़ा बेसिक अगर नहीं है तो बेसिक कर लो, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको समझने में, तो मेरे पास ये वीडियो है 4 आवर्स के, 2 आवर्स के, 1 आवर्स के, 3 आवर्स के, 2 आवर्स के, तो ये शेयर करूँगा, तो आप इसको फॉलो करना, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाएगा क्यूबरनेटिस का, क्या क्यूबरनेटिस है, क्या क्या ऑब्जेक्ट आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप तब तक प्रिपेयर कर लो, देन यू कैन ज्वाइन माई एडवांस कोर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, लैब एंड रियल टाइम इशू डिस्कशन, जो मैंने अभी प्रेजेंट किया, क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है? हेलो, हेलो, ओके, हेलो, सो एनी डाउट, एनी क्वेरीज? हो कनेक्ट सो दिस इज 1 वीक सेशन, दिस इज रियल टाइम इशू डिस्कशन, 1 वीक सेशन, सो 2 आवर ईच, यू कैन पिंग मी टू गेट मोर डिटेल्स, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, तो समझ में आया तो जो मैंने बताया कि सब बाउंस किया, ऊपर से गया, हेलो, हाँ
तो मैं एक डेमो सेशन भी है, अगर और डिटेल में देखना है उसमें मैं कुछ इशू भी डिस्कस किया है, यूट्यूब पे है डेमो सेशन, तो वहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो मैं इतना डीप में भी नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, जो स्लाइड्स था ये 40+ इशू है, उसको मैं लाइव दिखा सकता हूँ कि क्या इशू है, उसको कैसे फिक्स करना है। एंड एट द एंड ऑफ सेशन आई विल शेयर द 50+ इंटरव्यू क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, सो आई हैव नोटेड डाउन ऑल द क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड, सो यू कैन प्रिपेयर। एंड बिग कमांड आई विल शेयर द कमांड ऑल्सो, वट ऑल द कमांड वी हैव यूज इन आवर लैब इन आवर सेशन, एंड दिस इज द सिलेबस अपार्ट फ्रॉम 40+ रियल टाइम इशू। ये सिनारियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर ETC वेंट डाउन, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, इफ एनी पॉड गोज डाउन। तो जनरली इंटरव्यू ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, 80% 70% मैच करेगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ तो पता है कि क्या पूछना है कैंडिडेट से, क्या रिक्वायरमेंट रहता है, क्यूबरनेटिस में क्या टास्क रहता है, क्या डे टू डे एक्टिविटी रहता है। तो अगर वो जेन्युइन काम किया तो वो बता देगा, इसलिए तो वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। अगर बेसिक नहीं है तो आप ये ले सकते हो, यहाँ से बेसिक थोड़ा कर लो, यूट्यूब पे बोल लो यहाँ से, देन यू कैन ज्वाइन माई सेशन। तो 10th, 9th of May या 7th में वो डिसाइड, वो बताता हूँ कंफर्म करके कौन सा डेट है। ठीक है, ठीक ठीक है फिर, तब भी कॉल दिया रखते हैं। कुछ क्वेरी है तो आप पूछो भैया, या फिर पिंग करना कुछ डिटेल्स चाहिए तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।